हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। ये मैंने डोसा का शाम को ही भिगो दिया था। चावल है और दाल है, और उड़द की दाल में मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाली थी, और चावल में थोड़े से मेथी दाने, इससे डोसा क्रिस्पी बनता है। तो अभी मैं उसे पीस रही हूँ, और दरदरा सा थोड़ा सा चावल को थोड़ा दरदरा और उड़द की दाल को मैंने पीस लिया है, और अब ये बैटर बन के मेरा रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसे शाम तक फर्मेंट होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, और हम रात को डिनर में डोसे बनाएंगे। ये मैंने इतने बड़े बर्तन में इसलिए निकाला है क्योंकि ये फर्मेंट होने के बाद ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो फिर इसीलिए मैंने इसे इतने बड़े बर्तन में निकाला है ताकि बाहर ना निकल के आ जाए। ये हार्दी देखो अपनी डोल को कैसे नहला रही है। बारिश बहुत आ रही है और कपड़े सुखाने में भी इतनी दिक्कत होती है ना। ये हार्दी देखो कैसे डोल को अपने उसे भिगा रही है। हार्दी वो मानेगी ही नहीं, अपनी डोल को नहला के ही रहेगी। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो सुबह से ही मुझे आपके साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला है। आज का डिनर क्लब प्लान तो आप सब लोगों को पता ही है, और ये हार्दी है जो उठ नहीं रही है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं उसे उठाने आई हूँ। हार्दी 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 एक मिनट हार्दी 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 आदी। उसे बहुत नींद आ रही है। बारिश में तो अक्सर नींद आती है, पर फिर रात को नहीं सोएगी, इसीलिए मैं उसे उठा रही हूँ। हार्दी, ये हार्दी का दूध बन के रेडी हो गया था। एक तो उसे उठना भी नहीं था, फिर उसे दूध भी नहीं पीना था। इसका उठते ही मूड कुछ अच्छा नहीं होता है थोड़ी देर के लिए, फिर ये बोनवीटा वाला दूध पीती है। तो फिर मैंने उसे समझाया तो वो अब पी रही है। उठने के बाद थोड़ी देर के बाद ही उसका मूड आता है। और अभी शाम का खाना बनाने में थोड़ी देर थी, तो फिर मैंने सोचा ये हार्दी का बेड है तो उसका वो जो बेडशीट होता है ना, वो पूरा दिन ऐसे ही हार्दी खेलती रहती है तो फिर वो ऐसे ठीक नहीं रहता है, उसमें बहुत सी सिलवटें आ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका कवर ही बना डालूं, तो फिर मैं उसका कवर ही बना रही थी अभी शाम को। तो मैंने उसको उसके नाप के हिसाब से कट कर लिया। और फिर मैं उसे सील ले रही हूँ अभी। वो 3 साइड ही मुझे सिलाई करनी पड़ी क्योंकि एक साइड तो वैसे ही था ही, उसको मैंने फोल्ड किया तो फिर उसी नाप का हो गया था, उसके बेड के नाप का, तो फिर वो मैंने ऐसे ही सिल दिया। वो कवर भी अपनी जगह से सरक नहीं जाए ना, इसलिए मैंने ऐसी डोरी बना ली थी, और फिर कवर में ही निशान लगा के फिर 4 डोरियाँ लगा दी। तो वो गद्दे पे लगाने के बाद वो डोरियाँ बन जाए तो फिर कवर भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा इसीलिए। कवर बनाते बनाते शाम हो गई थी,
और डोसे बनाने थे तो तैयारी भी ज़्यादा ही जल्दी शुरू करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने सांभर के लिए दाल चढ़ा दी और ये मसाला भी बना रही हूँ मैं। प्याज भून लिए थे, उसमें हरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर ये सब मिला के बॉइल्ड आलू मिला लिए और उसमें धनिया भी डाल दिया, तो ये मेरा मसाला भी बन के रेडी हो गया था। और दोनों चटनियाँ भी मैंने बना ली थी, मूंगफली की चटनी और ग्रीन चटनी। अब सिर्फ मुझे मूंगफली की चटनी में तड़का ही लगाना था। वाइट चटनियाँ भी मैंने, वाइट और ग्रीन चटनी दोनों चटनी भी बना ली थी। ये मूंगफली की जो चटनी होती है उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। ये मेरा मसाला और दोनों चटनियाँ बन के रेडी हो गई थी। अब सिर्फ मुझे सांभर का तड़का ही लगाना बाकी था, तो वो भी मैंने लगा दिया और ये मेरा सांभर अभी उबल रहा है। रात बहुत होने वाली थी और सब लोगों को भूख भी लगी थी, तो मैंने ये पूरी रेसिपी डिटेल में नहीं दिखाई आपको। और ये जो मैंने सुबह में बैटर बनाया था उससे मैं अभी डोसे बना रही हूँ। मेथी डालने से बहुत ही अच्छे क्रिस्पी डोसे बनते हैं, इसीलिए मैंने मेथी दाना डाला था। सच बता रही हूँ आपको, उसका ज़र्रा सा भी टेस्ट नहीं आएगा मेथी दाने का। और ये हार्दी को जैसे चीज़ डोसा बहुत पसंद है, वो चीज़ डोसा ही खाती है, वो मसाले वाला डोसा नहीं खाती है, इसीलिए मैं उसके लिए चीज़ डोसा बनाई थी। अभी इस टाइम क्या बच्चों को बाहर का खाने देने से कुछ भी अच्छा है कि उसे जो भी पसंद हो हम उसे घर पे ही बना दे, तो उन हार्दी को जो भी पसंद होता है मैं उसे घर पे ही बना देती हूँ, वो फिर पास्ता हो या डोसा हो या कुछ भी हो। ये देखो, ऐसे बैटर को फैला लेना है हल्के हल्के हाथों से, और फिर गैस की फ्लेम मैंने फास्ट कर दी थी। ये मैंने ब्रश लिया है ऑयल लगाने के लिए, इससे ऑयल बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रेड होता है और ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना पड़ता है। चम्मच से लगाने से क्या होता है कि हमसे ज़्यादा ऑयल लग जाता है, इसीलिए जैसे ब्रश से लगाएंगे ना तो अच्छा ऑयल लगेगा और कम भी ऑयल लगाना पड़ेगा। मेरा डोसा प्लेटर बन के रेडी था। अच्छा, ये आप लोग भी सब डिनर करने के लिए, और ये हार्दी को केप स्टाइल में डोसा बनाना बना हुआ बहुत पसंद है। वैसे टेस्ट तो सबका एक ही होता है, पर फिर भी उसे केप स्टाइल में फोल्ड किया हुआ चाहिए था, तो मैंने ये एक ऐसे कर दिया। तो अभी हम लोग भी डिनर कर लेते हैं और बाय, गुड नाइट।